आज एक बहुत अच्छा एक हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से एक वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट की गई, जिसमें कि जो डिपार्टमेंट का एक वर्ल्ड बैंक फंडेड HPHDP प्रोजेक्ट के तहत जो कंसल्टेंट बाहर से फॉरेन से किए गए हैं, उनमें से एक डॉक्टर फ्रैंक मास जो कि नीदरलैंड से है, और इनका मेन कार्य जो है वो नर्सरी प्रोडक्शन जो हमारा पौधशाला का कार्य है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ के लोगों को ट्रेन करने के लिए यहाँ आए थे। पिछले कल हम चंबा में थे और चंबा के जो चार ब्लॉक है वहाँ कवर किया। आज पर्टिकुलरली हमने तीसरा का अलग से रखा क्योंकि यहाँ बहुत सारा नर्सरी प्रोडक्शन का कार्य अभी लोग शुरुआती दौर में है, और जैसे कि लोगों का ट्रेंड है कि अभी जो क्लोनल रूट स्टॉक की आधारित जो खेती है उसके ऊपर लोगों को जानकारी चाहिए। तो जैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कहूँ तो हमारे साथ वर्दी जेसी शर्मा जी जो कि इस प्रोजेक्ट के जिनका लाने में इनका बहुत बड़ा मेन इनका हाथ था, तो आज ये यहीं पे हमें सौभाग्य से मिल गए हैं। और इनका यहाँ सोसाइटी में जो गचुआ वैली सोसाइटी में है या काफ़ी पहले से इन्होंने क्लोनल रूट स्टॉक के ऊपर काम करना शुरू किया था, और आज भी इनका मानना है कि इस क्षेत्र की इस जिला की अगर प्रगति होती है तो ये क्लोनल रूट स्टॉक आधारित सेब की बागवानी पर ही निर्भर होगा, क्योंकि दूसरे जो हमारा अभी तक जो ट्रेडिशनल वे में हमारी खेती सेब की बागवानी हो रही है वो बीजू आधारित सीडलिंग प्लांट पे कार्य हो रहा है, जो कि यहाँ पे मौसम आधारित जो उसके मौसम आधारित उसके ऊपर क्रॉप पर डिपेंड रहना पड़ता है और उसमें बहुत सारा स्पेस उसमें लगता है, जबकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन एक कम समय में किया गया एक स्मार्ट वर्क है, और उसी की तरह की नर्सरी को लोग यहाँ अडॉप्ट करें, यहाँ के नर्सरी ग्रोअर यहाँ काम करें, इसी को करने के लिए डॉक्टर फ्रैंक मास को अपने साथ लाए, और साथ में मेरे साथ डॉक्टर भूपेंद्र नेगी जो कि NMS जो हमारा नर्सरी मैनेजमेंट सोसाइटी एट शिमला जहाँ के वो डिप्टी GM के तौर पे आए हैं। तो ये हम सब लोगों का ये एक संघर्ष है और एक तरह का आरे आरे बटारे कार्य है कि हम आने वाले टाइम में यहाँ जितनी भी बागवानी सेब पर आधारित हो वो सीडलिंग पौधे पर ना होके रूट स्टॉक पौधे से पर ही बेस्ड हो। मैं थोड़ा सा सर से बात करना चाहता हूँ जय शर्मा जी के, जो कि जो पहले भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर रूट स्टॉक के आधारित पर, और आगे वो कितना लोगों को कन्विंस करवा सकते हैं कि कितना अच्छा कार्य ये हो सकता है आने वाले समय में। यहाँ पे एक्टिविटी में शामिल होने का मौका दिया। मैं डॉक्टर फ्रैंक मास जो हमारे कंसल्टेंट हैं वर्ल्ड बैंक फंडेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जब मैं MD HPMC था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था तब उस समय हमने ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से फंड करवाया था, और इसका मेन उद्देश्य यही था कि भाई हमारे यहाँ सेब की और बाकी फ्रूट्स की, चाहे वो सब ट्रॉपिकल हों चाहे टेम्परेट फ्रूट हों, उनकी जो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी है, उनका उत्पादन जो है हर साल कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, इसी वजह से किसानों की जो आमदनी आई थी वो इंश्योर नहीं हो पा रही थी और लोगों का इंटरेस्ट इसमें हॉर्टिकल्चर में कम होता जा रहा था। तो ये प्रोजेक्ट उसी उद्देश्य से बनाया गया कि इसका समाधान क्या है। तो समाधान ये निकला था कि सेब में जब तक आप क्लोनली प्रोपेगेटेड रूट स्टॉक पे बगीचे नहीं लगाएंगे तब इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। सीडलिंग रूट स्टॉक जो होते हैं, जो बीज पर आधारित पौधे होते हैं, उनका कैरेक्टर, उनकी नेचर ऐसी है कि किसी वर्ष अगर मौसम अच्छा रहा तो फ्रूट देंगे, और कई बार मौसम खराब हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फ्रूट नहीं आता है। इसे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। मैं थोड़ा सा फ्रैंक मास साहब अंग्रेजी में बात करते, मैं ऐसे अंग्रेजी में बात करूँगा। मैं चाहूँगा, क्योंकि हॉलैंड के हैं और हॉलैंड से मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में रूट स्टॉक और प्लांट मटेरियल, चाहे वो फ्रूट्स का हो, चाहे वो फूलों का हो, चाहे सब्जियों का हो, वो सप्लाई किया जाता है। रिसर्च बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर वहाँ होती है और बहुत अच्छा उनका एक बिज़नेस है और बहुत ज़बरदस्त टर्नओवर हॉलैंड का इस मामले में है। तो आई वेलकम डॉक्टर फ्रैंक मास, वेलकम मिस्टर शाह एंड हॉर्टिकल्चर टीम मिस नेगी टू तीसा वैली चुरा वैली, एंड इट्स अ प्लेजर फॉर अस टू हैव देम हियर बिकॉज दिस इज अ प्लेस विच इज मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, हिमाचल पूरे हिंदुस्तान में 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, और उनमें से चंबा भी एक हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। तो हमने पीछे पूर्व में चंबा में एक अभियान चलाया था कि क्यों ना चंबा को इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशन बनाया जाए, क्योंकि चंबा में पोटेंशियल उतना ही है जितना शिमला में, लेकिन शिमला करीब 1500 करोड़ 2000 करोड़ के सेब उगाता है हर साल और हम 10 करोड़ 15 करोड़ के भी नहीं उगाते, बहुत ज़्यादा फर्क है। कारण उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन हम बहुत बैकवर्ड और बहुत पीछे हैं इस मामले में। तो एक दो क्लैरिफिकेशन मैं जाना चाह रहा था फ्रैंक मार्जी से कि साहब, जो नर्सरी जो डेवलप हो रही है यहाँ पे चुरा में, चंबा में या बाकी प्रदेश में सेबों की खासकर, उस पर कई लोग कह रहे हैं कि साहब ये प्रोजेक्ट तो आया 2015-16 में, गोलाई हुआ था 16 में, और 16 में हमने 2,25,000 पौधे पहले इटली से इंपोर्ट किए थे जो कि 15 जगह डेमोस्ट्रेशन के लिए थे। आज उसका डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट इतना अच्छा है कि सब लोग अब क्लोनली प्रोपोगेटेड रूट स्टॉक, जो रूट स्टॉक वाले पौधे लगा रहे हैं, और उससे रेगुलर बेयरिंग रेगुलर फूड आ रहा है, लोगों को इनकम हो रही है।
So I wanted Mr. Frank Maas to clarify this on technical basis or on the basis of his experience and expertise, whether we should go for seedling rootstock or we should go for clonally propagated rootstock, and what are the differences? Why should we? My name is Frank Maas. I'm from the Netherlands. I have a background in fruit research at Wageningen University for many years, and in my country, we have very high density orchards. So, and to make a more economic use of your land, you need to make higher plantings. And the only way you can achieve this is by using clonal rootstock that have a more dwarfing and more fruit-bearing habit than seedling rootstocks. The main disadvantages of a seedling is that it is very variable. It's not genetically identical. So the growth of your tree and your fruit production will vary very strongly from tree to tree and also from year to year. And what is happening on a seedling rootstock? The tree spends its energy mainly on root formation and the formation of many shoots, causing a very shady environment in the tree, by which you're losing quality of the fruits and you are producing less good flower buds for the next season. So to make a more productive system, the only way forward, and that is not only because I'm telling it, but it's, you can see it worldwide in all modern countries that have high density orchards, people are using dwarfing rootstocks. Because on a dwarfing rootstock, you have a very good control of canopy size.